HPSC सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज देने के लिए एलिजिबल हैं या जो देना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल है और आज हम बात करेंगे HPSC के बारे में, मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। HPSC सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज देने के लिए एलिजिबल हैं या जो देना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं। उनके मेरिट, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सिविल सर्विसेज के लिए उन्हें सेलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो, अगर आपको एग्ज़ाम देनी है तो आप फॉर्म तो भरोगे। आपको फॉर्म भर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके फॉर्म कितने, आपके पैसे लग रहे हैं, आप कितने में फॉर्म भर रहे हो। तो आपको एप्लीकेशन फ़ी आपके नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही भरे जाएंगे, उसी के थ्रू भरे जाएंगे। मेल कैंडिडेट जनरल EWS एंड BC के लिए इसमें 1,000 रुपये लग रहे हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250। अब हम इसमें बात करते हैं एग्ज़ाम स्टेजेस के बारे में। तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें प्रीलिम्स आ गए, मेंस आ गए और इंटरव्यू आ गए। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, GS और ऑप्शनल। दोनों 100-100 मार्क्स के होते हैं और दोनों में आपको 2 घंटे की समय मिलती है, मतलब दोनों पेपर करने के लिए आपको 2-2 घंटे की टाइम मिलती है। अब हम बात करते हैं मेंस के बारे में। मेंस के अंदर आपको 5 पेपर करने को आते हैं जिसके अंदर इंग्लिश ऐसे इंक्लूड होती है, उसमें हिंदी, GS, ऑप्शनल के 2 पेपर। इंग्लिश आपके 100 मार्क्स के, हिंदी आपकी 100 मार्क्स के, GS के पेपर आपके 100 मार्क्स के और ऑप्शनल के 150-150 के दोनों पेपर होते हैं, जिसमें आपके 3 घंटे का टाइम मिलता है। मतलब आपके 5ों पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिलता है, आप 3 घंटे में वो पेपर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। पर्सनल इंटरव्यू आपके मेंस के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, आपके उसकी रिज़ल्ट, आपके उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके पर्सनल इंटरव्यू होती है। उसके मार्क्स आपके ऐड होते हैं, मान लो आपके 600 के मेंस होते हैं और 75 नंबर के आपके इंटरव्यू होते हैं तो टोटल मार्क्स आपके 675। तो आपके मेंस के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू होता है, आपका पर्सनल इंटरव्यू मेंस के स्कोर, मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है जैसे UPSC, BPSC, RPSC, स्टेट PCS की जितनी भी होती हैं, स्टेट्स के अंदर जितने भी होते हैं वहाँ उनकी तैयारी कराई जाती है हमारे यहाँ, तो उनकी डेमो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 26, 27 और 28 को। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप कोचिंग करना है, अगर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।